आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बुधवार को दो दिनों में दूसरी बार बैठक हुई। पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकांश उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर सहमति बन गई है। उन्होंने बातचीत को सौहार्दपूर्ण करार दिया है। सिद्धू ने कहा है कि बैठक बहुत सकारात्मक माहौल में हो रही है, सब ठीक है, कांग्रेस जीते की अधिकांश उम्मीदवारों पर आम सहमति है। बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले पंजाब के चार मंत्री ने एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी और उनसे क्रिकेट से राजनेता बने सिद्धू पर लगाम लगाने के लिए कहा था। सूत्रों ने कहा है कि मंत्रियों ने हालांकि सिद्धू की कुछ एकतरफा घोषणाओं को हरी झंडी दिखाई थी, जिससे कुछ उम्मीदवारों और महिलाओं के लिए नकद प्रोत्साहन शामिल थे। स्क्रीनिंग पैनल की हुई बैठक के बाद सिद्धू प्रोत्साहित दिखे और कहा है कि सभी बैठकें सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है। समिति के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि ज्यादातर सीटों पर आम सहमति से फैसला हो चुका है। वहीं 70 उम्मीदवारों के नाम पर भी सहमति हो चुकी। हालांकि माकन ने इस सवाल को टाल दिया है कि 80 में से कितने मौजूदा विधायकों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जितने की क्षमता ही कसौटी है और हम नए चेहरों को भी मैदान में उतारेंगे। युवा कांग्रेस प्रमुख बीबी श्रीनिवास ने भी चुनाव के लिए युवा उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ाने के लिए पैनल से मुलाकात की। एआईसीसी केंद्रीय चुनाव समिति को शॉर्ट लिस्ट भेजने से पहले समिति एक बार फिर बैठक करेगी जो अंतिम उम्मीदवारों को मंजूरी देगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सीईसी की अध्यक्षता करती हैं, जिसमें राहुल गांधी भी सदस्य हैं। राहुल विदेश में हैं और उनकी वापसी का इंतजार हो रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।